और शक्ति रानी शर्मा जो है माँ काली की शक्ति है, एक महिला आपके बीच में है और जितना हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं सब लोग बड़े समझदार हैं, अपना नफा नुकसान समझते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान। जो 10 सालों में हमारे यहाँ के प्रत्याशी रहे प्रदीप चौधरी जी, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं तो एक अध्यापक हूं, लेकिन थोड़ा सा समझ आता है कि हमारा कौन सा काम हो गया और कौन सा रह गया। हर बार वायदों के साथ हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहे कि आपका ये काम बस होने वाला है और हम उस पर विश्वास करते रहे और मिला क्या हमें 10 सालों में ढाक के 3 पास, जहां थे वहीं रुके रहे। आज आपके घर पर एक बहुत सुनहरी मौका मिला है आपको, एक बटन दबाना है आपने 5 तारीख को और जरा से हम लोग कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपने जरा से गलत बटन दबा दिया, 4 की जगह 3 और 3 की जगह 2 तो मामला बिगड़ जाएगा। आपने बटन एक ही दबाना है और वो नंबर है 4, कमल का फूल। उसके पीछे जो कारण है कि अगर एक शक्तिशाली प्रत्याशी हमारे बीच आते हैं, हमें पूरा विश्वास है हमारा कार्य करने वो सक्षम है, सपुत्र उनके कार्तिक शर्मा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, बड़ी पावर है उनके पास। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आती है, अगर आपके मन में कार्य करने की इच्छा है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो। तो जो हमने देखा है अभी कार्तिकेय जी ने माँ काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में संकल्प लिया कि एक काम तो 8 अक्टूबर के बाद तुरंत ही मैं करूंगा, काली माता मंदिर का जो ये आपका है मंदिर के पास जो पार्किंग का काम है ये बहुत देर से चल रहा है, लेकिन उन्होंने रिटर्न में दिया, मां के चरणों में बैठकर एक संकल्प किया है, तो मुझे लगता है उसके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं कि हम सब किसी भी धर्म के हो हम सब माता को मानते हैं। हमारे पास यहां एक बच्चा खड़ा है मनप्रीत जग्गी, मैं फक्र करता हूं उस बच्चे पर। जब कोरोना शुरू हुआ था इस बच्चे ने तब माता के दरबार में रंगोली बनानी शुरू की थी और आज वो हमारी रंगोली इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आस्था की बात है, हमारी श्रद्धा की बात है कि जब से हमने माँ काली के यहां पर अपना जन्म लिया और सभी लोग जाते हैं, कोई सुबह कोई शाम, नवरात्रे आ रहे हैं, तो अगर पार्किंग बन जाती है हम शहर वालों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, और अगर पानी मिल जाता है तो मुझे लगता है मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा एक संबल होगा, कार्य होगा, क्योंकि पानी के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये हमारी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा जी, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अगर कोई आपका काम आपकी सफलता होने वाली है तो पहले से इंट्यूशन हो जाती है। और एक और बात कहना चाहता हूं, राजनीति की फिर मैं कहता हूं मुझे समझ नहीं है, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, देखो ऐसा आपने कोई भी नहीं होगा जिसको अपने देश से प्यार नहीं है। आप अपने बच्चों को, हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि देश सबसे ऊपर है, हमारा शहर, हमारा कस्बा, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार, ये सब पीछे है। लेकिन जिस देश का नेता दूसरे देश में जाकर कहता है कि सिखों को दस्तार पहनने की पाबंदी है, कड़ा डालने की पाबंदी है, बड़ी शर्मनाक बात है। हम अपने घर में लड़ लें जितना लड़ना है, हम यहां पर जो बात करें चर्चा करें तो अपने परिवार में अच्छा और बुरा सब निपटा देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मंच पर जाकर अपने देश को अपमानित करना, मैं नहीं समझता वो नेता आपकी वोट का हकदार है या वो पार्टी आपकी वोट की हकदार है। और दूसरी एक बात जो मुझे समझ आती है, केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्य में अगर वही सरकार आ जाती है तो आपके काम के लिए चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको उतनी ही पावर से केंद्र से वो सब चीजें उपलब्ध होती हैं। प्रत्याशी को हमें ये भी साथ में चिंतन करना है, और विचारधारा की बात भी आ रही है कि किस विचारधारा के साथ आपने खड़े होना है, जो तोड़ रही है, जो बांट रही है,
मुझे इतना याद है पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, एक पार्टी ने कहा कि वोट दे दो कल 8500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और भोले भाले महिलाएं बेचारे अगली लाइनों में लग गई जाके 8500 रुपए लेने के लिए। मिले नहीं, वो मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको दोबारा पूछना पड़ेगा कहां मिलेंगे। तो ऐसी मूर्खता वाली बातें अगर कोई करता है, हमें उन झांसों में नहीं आना, उनके धोखे में नहीं आना। एक ही बात याद रखनी है, अगर अपना आप लाभ चाहते हो, कम से कम और किसी का नहीं, अपना तो हम सब चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, सुधार हो, हमें वो सब मिले जिसके हम हकदार हैं। अभी मैं पढ़ रहा था इनका संकल्प पत्र, संकल्प पत्र लाडो योजना मेरे ख्याल एक है जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात है। ये पार्टी है क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बुढ़ापा पेंशन सबसे ज्यादा भारत में दे रहा है। मुझे लगता नहीं कि और कोई एक धोखेबाज पार्टी, आज मैं देख रहा हूं झाड़ू लेकर घूम रहे थे, टेम्पो में झाड़ू रखे होते साथ में, घर घर में झाड़ू दे रहे थे। भाई आप सोचो कि किस विचारधारा के साथ खड़े हो। और अभी मैं सुन रहा था उनकी एक जो प्रत्याशी, उनकी एक कैंडिडेट है राखी बिड़लान, कभी नेट पे जाके पढ़ना तो शर्म आएगी, ऐसी पार्टी में कैसे कैसे उनके व्यक्तित्व हैं जिनका चरित्र ही नहीं है, चित्र भी नहीं है, वो आपका भला क्या कर पाएंगे, उनको तो झाड़ू फिर गया। तो ऐसी